देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को रो रहे हैं, कई बहुतों का लोन भी है, कभी बहुतों को 8-10 लाख का लोन लेके पढ़ा हुए हैं, किसी का इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ से चुकाएंगे। बस हम लोग सोचते हैं कि आज कुछ हो जाए, शाम होता है फिर सारा सपना चकनाचूर हो जाता है, फिर अगले दिन हम लोग उसी एनर्जी के साथ उठते हैं, फिर आते हैं देखते हैं। झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, जिसका नतीजा यह है कि परीक्षा रद्द हो जाती है। वहीं झारखंड सियासत में भी बहुत हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री बहुत ही अहम फैसले भी ले रहे हैं, जिसके बाद झारखंड की युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई उम्मीद भी है। वहीं आज मुख्यमंत्री आवास के गेट के सामने जेपीएससी का सफल अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इनसे ही जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है। हमारा हम लोग यहां आए हुए हैं जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्त कराने के लिए। हमारा जो वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, वो काफ़ी दिनों से लंबित है। हमारा प्रीलिम्स हो चुका है। प्रीलिम्स हमारा 2020 को हुआ था, मेंस हमारा 2021 को, हमारा रिजल्ट आया मई में और मई से इंटरव्यू स्टार्ट होती है। आधे का इंटरव्यू हो चुका है लगभग 2022, हम लोग के 600-700 लगभग का इंटरव्यू हो चुका है, बाकियों का इंटरव्यू बाकी है। ये इंटरव्यू रुकने का कारण हाईकोर्ट से एक जज, हाईकोर्ट से मौखिक टिप्पणी हुई थी जेपीएससी को कि आप जाके कुछ जवाब दीजिए, फिर उन्होंने रोक दिया हमारे बीच में इंटरव्यू और बाकी, और साथ ही साथ हमारा चेयरमैन के टेन्योर भी ख़त्म हो चुका था, अमिताभ चौधरी जी उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, जिस कारण अभी रिक्त पड़ी हुई है, 2 महीने से अभी खाली पड़ा हुआ है और एक संवैधानिक पद है। तो यही हम गुजारिश करते हैं सर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत आशा है सभी विद्यार्थियों को कि जल्द से जल्द चेयरमैन नियुक्त करें और हमारा जितना भी प्रोसेस है, हमारा बस 20 दिन का प्रोसेस है, 6 दिन का इंटरव्यू बाकी है और बाकी हम लोगों ने बात किया था सचिव जी से, बात हुई थी जेपीएससी के सचिव जी से, उन्होंने बोला था अगर चेयरमैन नियुक्त होगी तो आप लोगों का 20 दिन से 1 महीने के बीच में आपका पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। और बस चेयरमैन अभी कुछ बनी नहीं है। और साथ साथ एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग 26 ये जो संडे है 11 सितंबर को हम लोग कैंडल मार्च रखने वाले हैं इसी मुद्दे में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए। तो सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावक को या जितने भी जेपीएससी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि जेपीएससी केवल असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्त नहीं करता है, हमारा जितने भी है सिविल सर्विसेज हो गया, साइंटिस्ट हो गए हैं, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, बाकी भी काफ़ी वैकेंसी है जो ये आयोग निकालती है। तो जितने भी जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं या कैंडिडेट हैं, उनसे अनुरोध है कि आप लोग आइए, आप लोग 11 तारीख को हम लोग कैंडल मार्च है जिला स्कूल से लेके हमारा वाटिका, बापू वाटिका तक। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग इसमें अच्छे से अच्छे समर्थन दें। हम लोग 2 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे, ठीक है, अम्बा प्रसाद मैम जो है उन्होंने मिलवाया था मुख्यमंत्री जी से 2 अगस्त को, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 3-4 दिन में बन जाएगा चेयरमैन, लेकिन अभी तक चेयरमैन बना नहीं। अभी देख रहे हैं 3-4 अगस्त से लेकर अभी मतलब 1 महीना होने को जा रहा है, 40 दिन होने को जा रहा है, अभी तक नियुक्त नहीं हुआ। हम लोग दौड़ धूप करें इस बीच में, हम लोग किसी का पढ़ाई नहीं हो पा रहा, सभी को हताश हो चुके हैं, सभी का आँखों में दर्द है। देखिएगा अभी, देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को रो रहे हैं, कई बहुतों का लोन भी है, कभी बहुतों को 8-10 लाख का लोन लेके पढ़ाए हुए हैं, किसी का इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ से चुकाएंगे जब तक किसी का नियुक्ति पूरा नहीं होगा। और हम लोग कोई ऐसे नहीं है, हम लोग सभी को मेंस क्वालिफाई करके आए हुए हैं, हम लोग कोई शौक नहीं है हम लोग का ये करना, हम लोग बहुत दर्द में बहुत पीड़ा में है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से बस इतना मांगना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एक संवैधानिक पद खाली है जो एक रूटीन वर्क है आपका, वो आपको 1-2 दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, पता नहीं क्या रीज़न है, वो आप ही बता सकते हैं, हम लोग बहुत हताश है। तो आप लोग, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द चेयरमैन नियुक्त करें। मुख्यमंत्री जी से क्या गुजारिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी तो हमारे अभिभावक हैं, उनको सब कुछ पता है, बस किसी कारणवश वो काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग उनसे बस यही कहेंगे कि सर हम लोग भी खूब परेशान हैं, इस राज्य के हम लोग छात्र हैं, आपके बच्चों के समान हैं, हम लोग भी देख ही रहे हैं कि क्या परिस्थिति हमारे अंदर, इतने सालों से हम झेल रहे हैं, माता पिता से भी नज़र मिलाने में दिक्कत हो रही है, समाज में भी हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार जो है वो नहीं हमारे साथ हो पा रहा है। सबको यही पूछते हैं कि कब आपकी नौकरी लगेगी, आप लोग का जेपीएससी का मतलब क्या हो गया, सबको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बस बात इतनी ही है कि बस देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात माने, और सरकार बात मानेगी भी, बस वो थोड़ा देर हो रहा है। लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ केस हो गया है, केस और भी टाइम हुआ था, कम से कम 7 बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीत चुके हैं, कल पीठ हो चाहे खंडपीठ हो, उसके बाद भी हम लोग यहाँ इतना परेशान है, फिर से कल सुनवाई हुआ था, उसका अगला डेट 26 को मिला है। तो बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके से सारा चीज़ को समझते हुए बस मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग की जो चेयरमैन की नियुक्ति है वो करवा दे, ताकि जो प्रोसेस है वो हमारा आगे बढ़ पाए। और इसी के संदर्भ में हम लोग इस रविवार को कैंडल मार्च का हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, जो शहीद चौक से लेकर वाया
कचहरी से होते हुए हम लोग सीधा बापू वाटिका के पास जाएंगे और हम सबसे निवेदन करेंगे, चाहे कोई भी मंत्री विधायक हो पूरे राज्य के, वो हमारा ही भावक है, हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़े रहें, बस यही है। हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। नहीं, अभी मिल नहीं पाए हैं सर, सर व्यस्त हैं थोड़ा सा। तो आगे का प्लान बस ये है कि हम लोग वेट कर रहे हैं, शायद हम लोग का सुनवाई हो जाए, कहीं से अंदर से बुलावा आ जाए, इसी उम्मीद के साथ कि जैसे सूर्य का उदय होता है फिर अस्त होता है, वैसे ही हम लोग का दिन भर का प्रक्रिया ऐसे ही चलता है कि बस हम लोग सोचते हैं कि आज कुछ हो जाए, शाम होता है फिर सारा सपना चकनाचूर हो जाता है, फिर अगले दिन हम लोग उसी एनर्जी के साथ उठते हैं, फिर आते हैं, देखते हैं वो सूर्योदय जो अद्यता होने वाला है हमारे जीवन का वो कब होता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।